नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है दोस्तों। ईश्वर की कृपा सभी दर्शकों पर बनी रहे, इसी शुभ प्रार्थना को करते हुए आज हम फिर से आप सभी के सपनों का फल लेकर के उपस्थित हैं। जैसा कि मित्रों जानते हैं, सपने विभिन्न प्रकार के होते हैं और इनसे भविष्य के शुभाशुभ का पता भी चलता है। सपना कब के आने वाला ये पता तो नहीं होता, लेकिन भविष्य का पता ज़रूर बताता है क्या अच्छा बुरा होने वाला है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे सपने में गर्लफ्रेंड प्रेमिका को देखना। दोस्तों, अगर आपने भी सपने में प्रेमिका को देखा है, प्रेमी को देखा है, तो ये जो है आपको अकेला महसूस होने का संकेत दे रहा। आप कहीं ना कहीं अपने को अकेला फील कर रहे हैं, इस तरफ इशारा करता है। सपने में अपने प्रेमी प्रेमिका की शादी होते देखना। दोस्तों, ये बस आपको अपने काम को अपने तत्परता के साथ करते रहना और ईश्वर पर भरोसा रखना है, अपने प्रेम पर भरोसा रखना है, सब अच्छा होगा। अगर किसी और के साथ देखते हैं तो दोस्तों, ये जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अपने प्रेम पर भरोसा रखना है, इसमें कुछ गलत नहीं होने वाला है, अच्छा ही होगा। अगर रोते हुए देखा है तो कड़वाहट आ सकती है, अनबन भी हो सकती है, आपके रिश्ते में दरार भी हो सकती है। दोस्तों, ये इस तरफ इशारा करता है। अगर आपने बहुत नज़दीक अपने साथी को देखा, बहुत नज़दीक, तो ये आप अपने लव लाइफ में कहीं ना कहीं खुशियां पाने वाले हैं। अगर आप देखते हैं बिना वस्त्रों के, तो ये सपना आपको अपमान होने का भी संकेत देता है, आप कहीं अपमानित हो सकते हैं। दोस्तों, ये सपना इस तरफ इशारा करता है। तो दोस्तों, ये था स्वप्न में आपके सपनों का फल, स्वप्न में प्रेमी प्रेम का देखने का। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आज का वीडियो पूरा होता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।